सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको प्रॉपर मतलब कि मेडिकल में वहां जब जाइएगा, यानी कि 23 सितंबर से आपको जो स्टार्ट है, यानी कल आप जो अपना घर से निकलिएगा, तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और वहाँ जो है किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा। ऐसे तो ऑलरेडी हम प्रॉपर मेडिकल की जितनी भी गाइडलाइंस आई है, मतलब कि MHA के द्वारा हो, गृह मंत्रालय के द्वारा, वो हम प्रॉपर आपको जो है अलग से डिफाइन करके बता दिए हैं। आपको जो है आपका जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, उससे पहले आपको ब्लड में क्या क्या चेकअप होगा, एक्सरे में क्या क्या होगा, टैटूज कैसे हो देखा जाएगा, इन सब जो यूरिन में क्या क्या होता है, उन सब के बारे में हम प्रॉपर वीडियो बनाए हैं। और डिटेल मेडिकल का आपको चार टाइप में डिवाइड करके बारीकी से एकदम जितना हो सके टूटी फूटी भाषा में समझाने की कोशिश की है, और पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। लेकिन कुछ बातें जो है कॉमन थी, जैसे कि हेयर कटिंग वगैरह, बियर वगैरह, बाल वगैरह, इन सब बातों पर हम बात नहीं किए थे, क्योंकि ये सब छोटी मोटी बातें हैं और अगर शुरू से बात करें भूल जाते हैं, ठीक है। और ये बात आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा, मतलब कि सामने वाले डॉक्टर को कैसे तरह से बिहेव करे हो, ठीक है। तो इन सब छोटी मोटी बातों जो है भाई आपको पॉइंट की ओर ले जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप शुरू से अंत तक देखेगा वीडियो को, और अगर आप नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि किसी भी डिफेंस में या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, फिजिकल हो, एग्जाम हो और मेडिकल, तीनों टॉपिक पर हम शुरू से लेकर अंत तक कवर करके जब तक आपकी जो है भर्ती कंप्लीट ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको भूलना नहीं है आपका जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट है आपको जो हमने दिए हैं, उन प्रॉपर डॉक्यूमेंट को एक बार आपको देख लीजिएगा, आपका फोटो है या नहीं, आधार कार्ड है। अगर बहुत सारे लोग कमेंट किए भाई मेरे पास आधार कार्ड नहीं, तो कोई भी आपका जो है आईडी प्रूफ चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको आधार कार्ड ही है, आप आईडी प्रूफ दे लीजिए और जितने भी डॉक्यूमेंट ऑरिजिनल था, सब फिर चाहे मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो 10th 12th का हो, या फिर ग्रेजुएशन का भी आप जो है हायर एजुकेशन, तो उसका दे लीजिएगा। बाकी 20 आपका फोटो चाहिए, बाकी 10 फोटो भी चलेगा, कि आप कोशिश कीजिए 20 फोटो तक आप ले लीजिए, ठीक है। 10 से 20 फोटो आप जाइए फोटोग्राफ, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, जनरल का तो नहीं है, बाकी और भी किसी का हार्ट का रिसेप्शन है, चेस्ट का है, तो इन सब आपका रिसेप्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो इन सब सर्टिफिकेट का आप दो दो फोटो कॉपी कर लीजिए, ठीक है, जीरोक्स कर लीजिए, और सारे जीरोक्स जितने आपको जीरोक्स करवाइएगा सेट में, उसमें आपको नीचे आपका जो है अपना सिग्नेचर कर देना होगा, जिससे आप सेल्फ अटेस्टेड कर दें, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो भाई वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको जो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी वहाँ आपको जो है सब में बोले भाई अपना जो है सेल्फ अटेस्ट कर लो, तो क्यों ना आप यहीं अपना जो सिग्नेचर करके आप बेफिक्र जाएँ, ठीक है। ये आपका होगा डॉक्यूमेंट का प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर जाना भाई, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत अगर अभी भी है डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, तो आप डॉक्यूमेंट लिस्ट का एक प्रॉपर वीडियो बनाए, वहाँ पर जाकर देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपको अगर बाल बाल नहीं करवाया, छोटा बड़ा बाल करवाइए, क्योंकि इंप्रेशन वहाँ जितना अच्छा बनाइएगा भाई, उतना अगर छोटा छोटा अगर पॉइंट रहता भी है, जैसे दांतों में है, DNS वगैरह है, या फिर कहीं भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मिलता है डॉक्टर को, तो वो आपको जो है आपके वेशभूषा सबका हाव भाव सबका दिखावा से जो है वो थोड़ा सा मैनेज कर देता है, जिसको आप बोलते हैं इग्नोर कर देता है। तो कोशिश कीजिए आपको जो है इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, जैसे आपका दाढ़ी जो है अभी हम हल्का सा करवाए हैं, पर आप दाढ़ी पूरा जो है सेव करवा लीजिएगा, बाल एकदम छोटा छोटा, हालांकि बाल अभी थोड़ा सा ठीक है, नॉर्मल है, पर आगे जो है इतना दिख रहा है, अभी इसको कम कर लीजिएगा, और जो प्राइवेट पार्ट जो बाल है वहाँ पर पूरा करवा लीजिएगा। अगर वहाँ बाल रहेगा भाई, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर जो है डांट भी सुननी पड़ सकती है, गाली भी खाना पड़ सकता है, और तो और आपको कुछ में मतलब इधर उधर देखकर आपको पॉइंट भी दे सकता है, वो अलग बात है, आपको रिमेड करना फिर हो जाएगा। तो भाई रिमेड कब तक क्यों जाना होगा, आपको कोई पॉइंट नहीं है, तो अब इस छोटी छोटी गलती के बाद आप पॉइंट ले क्यों ले, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। और यहाँ की जो बार है दोनों साल आपको करवा लेना है, जैसे आपको हाइट वेट चेस्ट कुछ होगा PHT में, तो वहाँ आपको जो है डांट सुननी पड़ सकती है, तो ये सब आपको जो छोटी छोटी बातें आपको करके जाना है। दूसरी बात, अब जब वहाँ आपका PHT होगा, फिजिकल होगा, प्रॉपर फिजिकल में क्या क्या होता है शुरू से लेकर अंत तक, हम प्रॉपर फिजिकल में क्या होता है इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हैं, और 13,000 से ज़्यादा लोग जो है इसको देख चुके हैं, तो कोशिश कीजिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा, बाकी उसमें कुछ है नहीं। आप स्टार्टिंग में जाइएगा, जो भी वहाँ आपको फौजी बोले, यप अब आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है, जो बोले बस उतना ही करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना और कम भी नहीं करना। और हाँ, ग्राउंड में जब भी वहाँ जाइएगा भाई, आपको सुस्ती से नहीं चलना है, क्योंकि फौज का एक नियम होता है, आप जब भी उसको वॉक करने के लिए बोले, तो आपको वहाँ पर मतलब फास्ट जाना है, ठीक है, आपको वहाँ दौड़ कर जाना है, कहीं बोला चाहे वो मेडिकल में हो या फिर DB में हो, आपको दौड़ कर जाना है, रुकना नहीं है, धीमे धीमे नहीं जाना, वरना आपको जो गाली खाना पड़ सकता है। ये आपको थोड़ी पॉइंट है जो आपको हम बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं वहाँ जब आपका PHT हो गया, वहाँ पर आप ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आराम से हाइट वेट चेस्ट होता है, रनिंग होता है, PHT में दिन भर इसका को जो है कंप्लीट हो जाता है, तो और कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 पेज का फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरिएगा और हमसे आपको डोजियर में सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको PHT का हो गया। DB में ही आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन ले लिया जाएगा, उसमें कोई तामझाम है नहीं। DB के लिए आपको ब्लड, यूरिन, ये दोनों का सैंपल ले जाएगा, आपको एक्सरे करवाया जाएगा। इन तीनों के ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप क्या अगर चाहें कि ब्लड में क्या क्या चेकअप होता है, एक्सरे में क्या क्या चेकअप होता है, हीमोग्लोबिन का जो रेट है वो कितना से कितना होना चाहिए, और आपका जो यूरिन का जो रूटीन है उसमें आपको जो है शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन में रहे तो क्या दिक्कत होगा, इन सब के ऊपर जो हम अलग से बना दिया। बाकी टैटू वैटू अगर है हल्का वर्का तो चलेगा, कितना तक चलेगा इसके ऊपर भी हम प्रॉपर वीडियो बना दिया। अब बात करते हैं हम मेडिकल में कौन कौन सी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात, कभी भी आपको अपने आप से मतलब होशियार नहीं बनना है। मेडिकल में आपको जो भी एक दिन आपका होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन टॉप टू बॉटम का,
तो वहां आपको अपने मन से कुछ भी जिसको बोलते हैं आप काबिल बनना, तो भाई वहां आपको काबिल नहीं बनना एकदम। समझिए कि आपको जो बोले, ठीक है, जो बोले वहां पर वही आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको बोले कि यहाँ मतलब कि जो ए लिखा है तो वहाँ ए है या बी है, ठीक है, तो आपको ज्यादा काबिल नहीं बनना कि उसके नीचे में सी बी है सर, वैसा नहीं बोलना, ठीक है। आपको अगर बोले कि लेफ्ट लेफ्ट से पांचवा अंक क्या है, ठीक है, तो आपको पांच है तो पांच बोलना, ऐसा नहीं कि उसके बगल में छह भी है सर, ऊपर में तीन है सर, इतना ज्यादा एडवांस नहीं बनना, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको बोले कि चेस्ट नंबर 53 यहाँ आ जाओ, तो आपको सिर्फ उसी को सुनना है, बाकी इधर उधर मतलब कुछ भी तरह से मतलब किसी तरह के आपको ऐसा नहीं दिखाना होगा, डॉक्टर आपको आपके आपके ऊपर जो टारगेट कर ले, ठीक है। और जब डॉक्टर को किसी के ऊपर भी शक होता है, किसी मतलब इस तरह से व्यवहार करता है, तो डॉक्टर को अडारे में आ जाता है। और भाई आपको पता होगा कि मेडिकल में 20 कैंडिडेट ज्यादा एक डॉक्टर के पास नहीं होता है, वो अलग बात है कि अगर शेड्यूल फास्ट हो, यानी कि 10 दिन में अंदर फिजिकल करवाना हो, मेडिकल करवाना हो, तो वहाँ पर डॉक्टर जो है 30 तक हो सकता है, जैसे कि आपको 2023 में हुआ था, तो 20 कैंडिडेट ही एक डॉक्टर के पास होता है। और वो जो डॉक्टर होते हैं ना, उसके आप उसके अंडर में पूरा दिन रहते हो, तो कोशिश कीजिएगा उन डॉक्टर के सामने जो आपका इंप्रेशन अच्छा रहे, क्योंकि वो उसके अगर अडारे में आइएगा भाई, आपको जान बुझ कर पॉइंट दे देगा, आपको जो है टेंशन में डाल देगा, ठीक है। तो ये रही आज की छोटी छोटी बातें, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगा और हाइट वेट का जो चार्ट है आपका, कितना हाइट का कितना वेट होना चाहिए, मतलब किस एज का किस ग्रुप कितना होना चाहिए, तो भाई उसका जो हम चार्ट है आपको कम्युनिटी पोस्ट में कर दिए हैं। बाकी कुछ भी छोटी बड़ी बातें होती है, कुछ भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको मतलब कि कम्युनिटी में कर देंगे, और कुछ बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो होगी, मतलब कि आपको समझाना होगा, कुछ बनाना होगा, तभी आपको जो है रिकमेंड करेंगे, वीडियो बनाकर आपको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रही आज का इन्फॉर्मेशन, बाकी आराम से आप फिजिकल देने जाइए, मेडिकल आपका सब चीज़ अच्छा होगा, इतना हम गारंटी ले रहे हैं, क्योंकि आप 3 महीने से पहले से आपको जो है फिजिकल के रिगार्डिंग दे रहे हैं, आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जितना हमसे बन सकता है उतना आपको हम दिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अगर शुरू से अंत तक हमें आप फॉलो करते आए हैं और हमारी बातों को अपने ईमानदारी से फॉलो किया है, तो भाई आराम से आप झंडा गाड़ोगे। और जब भी आपका फिजिकल होगा मेडिकल होगा, तो आप इस मतलब कि वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भाई मेरा फिजिकल हो गया या फिर मेरा मेडिकल हो गया, आपने जो बताया उनका मतलब कितना मेरे बातों पर असर पड़ा आपको, तो ये सब जरूर बताइएगा। और अपने दोस्तों को शेयर करने, अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा। और अभी होता क्या है ना, अभी एक वीडियो बनाए कट ऑफ के ऊपर, उसमें बोले कि भाई जितना पिछली बार कट ऑफ गया था, वो 15-20 तो सबका सब डिस्ट्रिक्ट में लगभग गया था 66 में, तो उसका जो है 0.75 मतलब उसका 0.75 ही इस बार जो है कट ऑफ बढ़ने वाली है, यानी अगर 20 नंबर गया तो उसका 0.75 कर दीजिए, तो आपका 15 नंबर जो इस बार बढ़ेगी, अगर 15 नंबर गया तो उसका 0.75 कर दीजिए, यानी कि 12 नंबर के आसपास 13 नंबर के आसपास जो है बढ़ेगी, ठीक है। अगर 10 नंबर गया तो इस बार आपको 7 नंबर बढ़ेगी। ये हम आपको नौ बता के कुछ लोगों को कमेंट कर रहे हैं, भाई अभी आप मतलब कि नया नया है और कुछ भी आपका कट ऑफ के बारे में बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं भाई। अभी हम अपना जो रॉ मार्क्स है, यानी कि आफ्टर नॉमिनेशन और रॉ मार्क्स, अभी अपना कोई भी मार्क्स जो है रिवील नहीं किए हैं, और ये आपको हम वादा किए भाई, जब तक आपका मेडिकल ना हो जाए तब तक हम अपना मार्क्स जो है रिवील नहीं करेंगे, और आपको हम बताएंगे भी कि मेरा मार्क्स कितना है, ठीक है। और कुछ भी हम आके आपके कैमरा के सामने बोलना भाई ये उचित नहीं समझता, ठीक है, मेरे पास अपना टाइम है, मेरा जो अपना सही टेबल है, तो अपना भी देखते हुए आपको जो बताना पड़ता, ठीक है। तो अगर आपको कुछ लगता है कि ये कुछ भी बोलता है, ये गलत है, ये है वो है, भाई आप बस समय का इंतजार कीजिए, और सबको हम बोलते हैं आप वेट एंड वॉच, ठीक है, आप समय का इंतजार कीजिए, समय आपका हर सवाल का जवाब देगा, ठीक है। बाकी आप लोग झंडा गाड़ के आइएगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप मेहनत करते रहिए, बाकी अब जो बोले हैं बस वहाँ पर आपको खुद के साथ साथ भगवान का भरोसा करना। और दूसरी बात, अगर जितने भी हम पॉइंट्स आपको गिनाए हैं किस पॉइंट इसमें आपको रिएक्शन मिल सकती है, तो भाई आप कोशिश कीजिएगा भगवान के भरोसे रहिए, अगर उसमें हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपको उस पॉइंट को इग्नोर भी करते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप जो है आराम से जाइए, भगवान पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, और डॉक्टर पर भरोसा रखिए, आराम से आपको जो है हो सकता है, ठीक है। कोशिश मतलब टेंशन नहीं लीजिएगा कि इसी ये बताओ, अगर किसी पॉइंट आपको दिक्कत है कि अगर आपको यहाँ में है, कैरी एंगल में है, देखो देखो, तो आपका निगाहें जो आपकी नज़र जो है बार बार उस पर नहीं होना चाहिए, ये आपका सबसे बड़ी पॉइंट है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो चेक करने से पहले आपको जो है निगाहों को पकड़ता है, ठीक है, आपको पहले डर लगा कि इसका जो बॉडी लैंग्वेज क्या दिखा रहा है, तो ये इससे आप थोड़ा सा बचिएगा, और आप अपने आप को जो कॉन्फिडेंस दिखिएगा, ठीक है। बाकी आप आराम से सब चीज़ अच्छा होगा, भगवान से कृपा कीजिए आपका जो है अच्छा होगा, भगवान वहाँ पर भाई सबका जो है दिल धड़कते रहता है, पूरा दिन जो है टेंशन रहता है, सब भगवान के हाथ करते रहता है, क्योंकि मेडिकल में कुछ नहीं हो सकता, आपका सब चीज़ होने के बाद आपको जो है अनफिट करार किया जा सकता है, इसका कोई दुराय तो नहीं, ठीक है। तो बाकी सब अच्छा होगा, इतना हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद, गुड लक।